है गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको Vivo Y200e 5G स्मार्टफोन को मैं कंपेयर करने वाला हूँ Redmi Note 13 5G के साथ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हैं और कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। सो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं Vivo Y200e से। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलता है। सेम डिस्प्ले Redmi Note 13 में भी मिलता है। दोनों ही में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। एंड जो Vivo है इसमें आपको 1800 nits का पीक ब्राइटनेस मिलता है, एंड Redmi में 1000 nits का। Vivo में आपको Snapdragon 4 Gen 2 का जो है सपोर्ट मिलता है, एंड जो Redmi है उसमें आपको MediaTek का Dimensity 6080। यहां पे Vivo में 8GB RAM एंड 128GB ROM मिलता है, एंड Redmi में आपको 12GB RAM एंड 256GB ROM का सपोर्ट। Vivo में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलता है, एंड Redmi में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा का ऑप्शन दिया गया है, एंड 5000 mAh का बैटरी आपको दोनों ही में मिल जाता है। Vivo में आपको 44 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, Redmi में 33 वाट का। एंड Vivo में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, Redmi में ब्लूटूथ 5.3। दोनों ही में आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा, एंड Vivo में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिलता है, एंड Redmi में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड दोनों ही स्मार्टफोन में 8GB का वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। Vivo में फन टच OS 14 मिलता है, जो Redmi में MIUI 14 का। एंड Vivo में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिलेगा, एंड Redmi में एंड्रॉइड 13। यहाँ पे दोनों ही में IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिलता है। Vivo में 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, Redmi में 3 कलर। एंड जो Vivo का प्राइस है वो है स्टार्टिंग प्राइस 19,999, एंड Redmi Note 13 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 17,999। सो गाइज, यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन्स में जो प्राइस डिफरेंस है वो 2000 रुपीज़ का है, 2000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है। बट इस प्राइस डिफरेंस में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है डिफरेंसेस, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस तो है इसके ब्राइटनेस में। Vivo में आपको 1800 nits का ब्राइटनेस मिलता है, जो Redmi में 1000 nits का। एंड जो Vivo है इसमें आपको Snapdragon 4 Gen 2 का सपोर्ट मिलता है, एंड Redmi में आपको जो है वो MediaTek का Dimensity 6080। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो Vivo का बहुत बेहतरीन है इन कंपेयर टू MediaTek का Dimensity 6080। तो यहाँ पे Vivo जो है वो अपर हैंड रख रहा है और ब्राइटनेस भी इसका ज्यादा है। और रैम एंड रोम पे आते हैं तो Vivo में 8GB रैम एंड 128GB रोम मिलता है, एंड Redmi में आपको जो है वो 12GB रैम एंड 256GB रोम का सपोर्ट। तो यहाँ पे Redmi में आपको ज्यादा वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। Vivo में अगर आते हैं तो यहाँ पे पीछे के साइड 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलता है, लेकिन अगर Redmi में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। तो यहाँ पे Redmi Note 13 में आपको बेटर कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही में फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब आते हैं चार्जर पे। तो Vivo में आपको 44 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो Redmi में आपको 33 वाट का। तो 10 वाट ज़्यादा आपको Vivo में देखने को मिलेगा। एंड Vivo में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो Redmi Note 13 5G फोन है इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन दिया गया है। और प्राइस में जो है वो इन दोनों में 2000 रुपीज का डिफरेंस है। सो गाइस, मेरा मानना ये है कि अगर आप 2000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं तो आप जा सकते हैं Vivo Y200e के साथ, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको जो है बेटर चार्जिंग और बेटर डिस्प्ले के साथ आपको बेटर प्रोसेसर भी देखने को मिल रहा है इन कंपेयर टू Redmi Note 13 5G। सो गाइस, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर जरूर दूंगा।